हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करियर काउच विद शुभांकर। तो जैसे कि हमने इस साल के शुरुआत से ही आपसे वादा किया था करियर काउच गुरु सेंटर्स के लिए, तो जी हाँ, मैं बता देती हूँ, हमारे लखनऊ शहर में ऑलरेडी करियर काउच गुरु का पहला सेंटर ओपन हो चुका है। तो क्यों ना आज हम वहीं पे चलते हैं, हमारे लखनऊ के हजरतगंज सेंटर में, और वहाँ के फैकल्टीज़ और स्टूडेंट्स से बात करते हैं और देखते हैं कि करियर काउच गुरु को कैसे वो अलग पाते हैं। तो दोस्तों, देखते देखते करियर काउच को आज एक साल पूरा हो रहा है, और इस पूरे साल में हमने इतने बच्चों से इंटरेक्ट किया, इतने टीचर से इंटरेक्ट किया, इतने गुरुओं से हम लोग मिले, कि कहीं ना कहीं हमारा जो इंस्पिरेशन है वो हमें बच्चों से और ज़्यादा हम प्रेरणा उठाते रहे, हम और ज़्यादा इंस्पायर्ड होते रहे। करियर एक बहुत बड़ी चीज़ है, फ्यूचर एक बहुत बड़ी चीज़ है, भविष्य बनना, भविष्य बनाना, ये अपने आप में एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। बच्चों के फीडबैक्स आते रहे और उन फीडबैक से प्रेरित होकर आज हम आपके सामने ला रहे हैं करियर काउच गुरुज। करियर काउच गुरुज एक वो कंसेप्ट है जहाँ करियर काउच एक बंद स्टूडियो से निकल के आपके सामने, आपके साथ हाथ मिलाने आपके घर तक चल के आता है। हम लोगों ने कुछ चिंता किया कि बच्चों को जो है एक आम तौर पर परेशानियां आती क्या है, स्पेशली जो बच्चा कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहा है, क्या वाकई वो बच्चा मानसिक तौर पर पूरी तरीके से सुरक्षित महसूस करता है। हम माता पिता अपना एक बोझ डाल देते हैं अपने विचारों का, अपनी सोच का, अपने सपनों का, हम भूल जाते हैं उन बच्चों के तो खुद के भी सपने होते होंगे। इसलिए जब बच्चा कंपटीशन में वो 1-2% वाला जो सीट होता है उस पर अपना कब्जा नहीं बना पाता है, उसमें अपना हक नहीं जता पाता है, तो मायूस होने लगता है। बच्चे साल दर साल प्रिपेयर करते रहते हैं लेकिन उनके पास कोई प्लान भी नहीं होता। अब वक्त आ चुका है कि हम खुद बच्चों को बताएं कि जिंदगी में There is always a plan B. लेकिन उस प्लान बी को भी सोचने समझने के लिए उनको एक साथ की, एक दोस्ती की, एक गुरु की आवश्यकता है जो कि उसे एक रोशनी दिखा सके कि बेटा, अगर आप डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, अगर आप नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, जिंदगी यहां पर रुक नहीं जाती, आपके पास और भी ऐसे कई दिशाएं हैं जिस पर आप बढ़ सकते हो, उस एंसिलरी इंडस्ट्री के बारे में बता सकते हैं। यहां तो हम यहां तक कहते हैं कि जो बच्चा आज 2 साल से कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा है, अगर वो कुछ नहीं कर पाता, स्टिल ही हैज गॉट एक्सपीरियंस, उसके पास नॉलेज है, और वो अपने उस स्ट्रगल, उस नॉलेज को वो अपने नीचे के बच्चों को, यानी अगर वो किसी हाई स्कूल के बच्चे को या 9th के बच्चों को, वो सिखाने के काबिल तो हो ही जा सकता है। तो मेंटरशिप वहां से शुरुआत हो जाती है, वो अपने आप में गुरु बनता है। ऐसे सब बच्चों को हम एक ऑप्शन देते हैं, एक अपॉर्चुनिटी देते हैं हमारे साथ हाथ मिलाने का, और हम यहां पे एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलाते हैं। करियर काउच गुरु एक इसी श्रृंखला का नाम है, एक नेटवर्किंग का नाम है, जिसके माध्यम से हम अपनी श्रृंखला को, इस हैंड होल्डिंग को गांव और देश के हर एक कोने में हम पहुंचना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, करियर काउच गुरु सिर्फ एक संस्था नहीं है, एक इंस्टीट्यूट नहीं है, एक कोचिंग सेंटर नहीं है, ये हमारे द्वारा किया गया एक मुहिम है। यहाँ पे हम बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करते हैं और एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर फोकस करते हैं। एक सब्जेक्ट का टीचर होना एक बात है, जबकि एक स्टूडेंट के कोर कॉम्पिटेंस को एनालाइज करके जो भी करियर उसके लिए परफेक्ट है, उसके लिए उसको ट्रेन करके वहां तक पहुंचाना एक दूसरी बात है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट दी एंड कोई भी स्टूडेंट अपने लिए एक सक्सेसफुल करियर ही चाहता है। जहां तक मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँ, दैट इज फिजिक्स, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत डेप्थ है,
है ना, और इसीलिए इंटरेस्टिंग भी है। लोगों को लगता है कि बहुत टफ सब्जेक्ट है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन देखिए जो सब्जेक्ट, अगर कोई सब्जेक्ट अगर इतना टफ यू नो अगर इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता तो बहुत से जीनेसेस अपने सैकड़ों साल उसमें नहीं डालते। तो ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और इसको अगर हम प्योर कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक बच्चा अगर नीट की तैयारी करने आ रहा है, अगर वो सिर्फ सोच के पढ़ रहा है कि उसे नीट के लिए फिजिक्स पढ़नी है, तो कहीं ना कहीं ये एक अप्रोच गलत नहीं है, बट ये अप्रोच सेकेंडरी है। प्राइमरीली उसको ये समझना पड़ेगा कि वो जेई के लिए फिजिक्स नहीं पढ़ने आ रहा, ना नीट के लिए फिजिक्स पढ़ने आ रहा है, वो फिजिक्स को एज अ सब्जेक्ट समझने आ रहा है। अगर वो फिजिक्स को एज अ सब्जेक्ट समझ लेगा, उसके प्योर कॉन्सेप्ट को जान जाएगा, आफ्टर दैट वो जेई या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ढाल सकता है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि स्टूडेंट का तो माइंडसेट एक ऐसा है ही है, बहुत सारे जो आपके ये जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, या मैं किसी का ऐसा नाम नहीं ले रहा, लेकिन एक बात मैं इतना बता रहा हूँ कि वहाँ पर भी बहुत मैकेनिकल प्रोसेस हो गया है कि आपको भाई नीट के अकॉर्डिंग पढ़ना है फिजिक्स को, या जेई के अकॉर्डिंग पढ़ना है, बट कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि आपको फिजिक्स को प्योर कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। अगर आप प्योर कॉन्सेप्ट समझ गए, जो कि समझना बहुत इंटरेस्टिंग है और आसान है, तो उसके बाद आप उसको अलग अलग, चाहे वो नीट या जेई या और भी अदर कॉम्पिटिशन्स हैं, उसमें उसको ढाल सकते हैं। एक्चुअली में क्यूरियोसिटी ना क्वेश्चन को लेके ही नहीं है, बल्कि सब्जेक्ट को लेके भी है। बायो का सब्जेक्ट अगर बच्चा पढ़ता है तो आगे चल के उसको क्या लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ नीट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बायोलॉजी पढ़ रहा है? नो, ही इज रॉन्ग। ठीक है, बायोलॉजी पढ़ने के लिए आप नीट की प्रिपरेशन के साथ साथ बहुत सारे मेडिकल स्कोप्स हैं, लेकिन हर माँ बाप चाहते हैं मेरा बच्चा डॉक्टर बने, व्हाइट कोट पहने। ये जो व्हाइट कोट क्रेज है ना, ये बहुत आगे है पेरेंट्स के अंदर। नो, इट्स रॉन्ग। व्हाइट कोट तो एक फिजियोथेरापिस्ट भी पहनता है, व्हाइट कोट एक रेडियोलॉजिस्ट भी पहनता है, व्हाइट कोट डॉक्टर भी पहनता है। तो अगर आपके बच्चे में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो लर्निंग एबिलिटी नहीं रखता, ठीक है, तो आप उसको MBBS के बजाय आप दूसरे मेडिकल फील्ड में भी भेज सकते हो। आप उसको रेडियोलॉजिस्ट बना सकते हो, आप उसको फिजियोथेरापिस्ट बना सकते हो, आप उसको OT टेक्नीशियन बना सकते हो। देयर आर लॉट्स ऑफ स्कोप इन बायोलॉजी। One of the major problem of the student, जहाँ तक मैंने face किया है, confusion. Confusion बहुत आती है बच्चों को। वो अगर after 12th कोई career decide करते हैं, तो अगर suppose अगर वो medical में जाना चाहते हैं, तो medical के साथ साथ उनके पास एक और दूसरा option भी होना चाहिए। तो उनके mind में there are lots of confusion coming in their mind। वो बहुत confused रहते हैं कि मैं ये करूँ कि ये करूँ। ठीक, और ये confusion अच्छी बात है, कन्फ्यूजन बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि कन्फ्यूज वही होता है जो इंटेलिजेंट होता है, एंड द कन्फ्यूजन लीड टू क्लैरिटी। ठीक है, तो कन्फ्यूजन बहुत अच्छी बात है। जब आप कन्फ्यूज हो तो आप क्या करो, मैं एक सलूशन देती हूँ, आप कॉपी पेन लो, ठीक है, और जो भी आपके दो स्कोप्स हैं, जो भी आप बनना चाहते हो, आइदर दिस और दिस, ठीक है, उसमें आप पॉजिटिव और नेगेटिव अपने पॉइंट्स लिख लो। फिर देखो कि जो नेगेटिव आउटकम्स हैं वो किसमें ज़्यादा है, ठीक है, किसमें नेगेटिव आउटकम ज्यादा है और किसमें पॉजिटिव आउटकम ज्यादा है। जिसमें पॉजिटिव आउटकम ज्यादा है और जो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है, आप वो वाला करियर डिसाइड कर सकते हो। फिर यही नहीं करना, इसकी डेप्थ नॉलेज में जाना है। अब डेप्थ नॉलेज में कैसे जाना है कि मतलब आज जिन लोगों ने नीट क्वालिफाई किया है, जो डॉक्टर हैं, तो वो कहाँ हैं, उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किया है और वो कैसे उस वहां तक पहुंचे हैं। ठीक है, क्योंकि कल तो आपको भी यही चीज करनी है, आपको भी वही बनना है, तो कितना टाइम लगता है, कितना यू नो स्ट्रगल करना पड़ता है डॉक्टर बनने में, कितनी प्रिपरेशन के लिए टाइम लगता है, ठीक है, मास्टर्स करने के लिए कितना टाइम लगता है, एक स्पेशलिस्ट बनने के लिए कितना टाइम लगता है। एक्चुअली बच्चा जब पूछता है आके बायो का सवाल, तो उसे ये लगता है कि वो सिर्फ नीट एग्जाम के लिए पूछ रहा है, या जिस कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी वो प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए पूछ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि उस बच्चे को अपने सब्जेक्ट की डेप्थ नॉलेज ही नहीं है। ठीक है, बायो का क्वेश्चन अगर वो पूछ रहा है, तो उसको ऐसा होना चाहिए था कि वो हर जगह पे उसका सलूशन अप्लाई कर सके। इसका मतलब उस बच्चे को अपने सब्जेक्ट की डेप्थ नॉलेज नहीं है। तो सबसे पहले तो उसे अपने सब्जेक्ट की डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। क्यूरियोसिटी मुझे लगता है कि सिर्फ क्वेश्चन को लेके ही नहीं होती, बल्कि सब्जेक्ट को लेके भी हो सकती है। जैसे बायो का बच्चा आगे चल के ना बॉटनी में भी जा सकता है, जूलॉजी में भी जा सकता है, और बायो का बच्चा सिर्फ और सिर्फ नीट ही नहीं, बल्कि देर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस इन द बायोलॉजी सब्जेक्ट कि आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हो, आप फिजियोथेरापिस्ट भी बन सकते हो, आप रेडियोलॉजिस्ट भी बन सकते हो। तो क्यूरियोसिटी सब्जेक्ट को लेके भी होनी चाहिए बच्चे के अंदर। मेरे हिसाब से जब बच्चा मेरे पास जब आता है,
तो बच्चा बहुत डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट के साथ आता है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम है बच्चे के ग्राउंड लेवल पे। हम लोग ऐसा स्टडी करके देखा गया कि जब बच्चा ग्राउंड में जब पढ़ता है, जब नाइन्थ और बेसिक्स क्लास को स्टडी कर रहा होता है, तो वो एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, उसको सिर्फ एक बेसिक अपना कोर्स फिनिश करना होता है, इसलिए वो पढ़ाई कर रहा होता है। लेकिन जब वो हायर क्लासेस की तरफ जाता है, जब वो कंपटीशन की तरफ जाता है, तो वो चीज़ को बैलेंस नहीं कर पाता, क्योंकि कंपटीशन का जो सिलेबस का जो डिफरेंट कोर है वो एकदम अलग है, और जो ग्राउंड लेवल है वो एकदम डिफरेंट अलग है। ये आप कुछ इस तरह समझिए कि अगर आप एक बिल्डिंग को खड़ा कर रहे हो, तो बिल्डिंग की अगर आपकी नींव कमज़ोर होगी तो रिजल्टेंट इस पूरी बिल्डिंग ढह जाएगी। तो बच्चे के साथ जो प्रॉब्लम आता है वो यही आता है कि बेसिक्स पे कुछ और पढ़ के आता है और हायर टॉपिक्स में कुछ और पढ़ता है, तो इसको जो इम्बैलेंसिंग है ना, वो बैलेंस नहीं कर पाता। मेरे हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट अच्छा या बुरा नहीं होता, सब्जेक्ट का अच्छा या बुरा डिसाइड करता है इंटरेस्ट पे। इसका सबसे बड़ा रोल एक टीचर का होता है, गाइडर का होता है। गाइड का सबसे बड़ा काम यह है कि बच्चे के अंदर सब्जेक्ट को पैदा करना। आप अगर सिर्फ केमिस्ट्री को देखेंगे तो केमिस्ट्री आपके लिए सब्जेक्ट होगा, मेरे लिए एक नज़रिया है। अगर मैं केमिस्ट्री को देखता हूँ तो मेरे लिए आपने ग्लास लगाया है वो भी अपने आप में केमिस्ट्री है, मैंने कपड़ा पहना है वो भी अपने आप में केमिस्ट्री है। आप सब्जेक्ट को अगर आप लव नहीं करोगे, सब्जेक्ट को जानोगे नहीं, उसकी इनडेप्थ को नहीं जानोगे, जब तक आप सब्जेक्ट से मोहब्बत नहीं कर पाओगे, और जब तक आपको सब्जेक्ट से मोहब्बत नहीं होगी तब तक आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं क्लैक कर सकते हो। एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम अगर आपका आता है, चाहे वो बीएससी लेवल पे हो, चाहे वो एमएससी लेवल पे हो, चाहे वो पीएचडी लेवल पे हो, चाहे वो जेई लेवल पे हो, चाहे वो नीट लेवल पे हो, सभी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे जो कोर इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सब्जेक्ट से इम्पॉर्टेंट। वी एज अ केमिस्ट्री गुरु, जब बच्चा हमारे पास आता है तो केमिस्ट्री के अंदर हम बच्चे को सबसे पहले ये देखते हैं कि बच्चा कहाँ पे वीक कर रहा है। एक्चुअली बेसिकली क्या है, बच्चे बहुत डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट के पास हमारे साथ आते हैं, तो हमारा मोटिव होता है बच्चे की सोल को जानना, बच्चा एक्चुअल पढ़ना क्या चाहता है। कुछ बच्चे के कुछ टॉपिक्स में प्रॉब्लम होती है, कुछ बच्चे के डिफरेंट टॉपिक में प्रॉब्लम होती है, तो हमारा मोटिव होता है कि हम बच्चों से खुल के ये जान सकें, ये बात कर सकें कि कहाँ तुम्हारा एक्चुअल प्रॉब्लम है। हम लोग क्लास में जब भी बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमारा सबसे बड़ा इंटेंशंस जो वीक बच्चे होते हैं उन पे होता है, क्योंकि जो वीक बच्चा होता है उसका ग्राउंड कमज़ोर होता है, और जब हम लोग क्लास देते हैं तो ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल की तरफ जाते हैं। ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि बच्चा जो है बहुत शाय नेचर का होता है। होता क्या है, बच्चा कभी कभी अपनी बातों को हमारे सामने रख नहीं पाता है। बहुत सारी क्लासेस हैं, क्लासेस में बच्चा पढ़ रहा है, सवाल पूछ ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब तक बच्चा सवाल नहीं पूछेगा उसके डाउट नहीं क्लियर होंगे, और उसके डाउट नहीं क्लियर होंगे तो उसके कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे। तो सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि बच्चे के अंदर जो डर है उसको बाहर निकालें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बगल वाला बच्चा क्या सोचेगा, उसने क्या बोल रहा है, वो कैसा सोच रहा है मेरे बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिंदास होके फ्री टू आस्क, आप कोई भी क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं। आप हमसे फील फ्री होके कुछ भी सवाल, कैसा भी सवाल आप पूछ सकते हो, और आपको जितनी बार पूछना है उतनी बार पूछिए। हमारा मेन मोटिव ये रहता है कि हम बच्चे का डाउट एट द एंड ऑफ द डे क्लियर करें। बच्चा जब यहाँ से बाहर निकल के जाए तो एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि हाँ, मैंने वो जो पूछा उसका एक्चुअली आंसर मुझे मिला है। जनरली जब हम क्लास में होते हैं तो हमारा बच्चे के साथ एक आई कॉन्टैक्ट होता है, हमको ये पता चल जाता है कि बाय द हेल्प ऑफ आई कॉन्टैक्ट बच्चा कौन सा बच्चा एक टॉपिक को कितनी अच्छी तरह समझ पाया है या नहीं समझ पाया है। कभी कभी कुछ बच्चे शाय नेचर होने की वजह से उस टाइम उस सवाल को नहीं करते हैं, तो हम लोग स्पेशली उन बच्चे को अलग बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि कहाँ पे आपको मिस्टेक हुआ, कहाँ पे आप उस टॉपिक को नहीं समझ पाए। उसके बाद उस बच्चे से वन टू वन इंटरेक्ट करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आफ्टर देन जब तक बच्चा सेटिस्फाई होकर यहाँ से नहीं जाएगा तब तक हमारा मोटिव सॉल्व नहीं होता है। मौजूदा दौर में एजुकेशन जो है वो हमारी कमर्शलाइज हो चुकी है, जिसकी वजह से करियर काउच गुरुज जो है वो ना कि सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बट टीचर्स के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है हमारे लिए। हम लोग लेकर आ रहे हैं कि आज के दौर में हम लोग ने देखा है कि बिकॉज ऑफ कमर्शलाइजेशन इस टीचर्स जो होते हैं वो स्टूडेंट्स को अपनी पूरी नॉलेज से एम्पावर नहीं कर पाते, उनको नर्चर नहीं कर पाते, तो जिसकी वजह से उनके ऊपर एक प्रेशर रहता है कि वो बस अपना कोर्स कंप्लीट कराएं, सिलेबस वाइंड अप करें और मूव ऑन करें। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, हम हर एक ऐसे टीचर को जो कि स्टूडेंट्स को अपनी नॉलेज से एम्पावर करना चाहता है या उनको नर्चर करना चाहता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइम बैरियर्स और सारी चीज़ें जो भी होती हैं बिना किसी प्रेशर के, तो उसको हम ये अपॉर्चुनिटी देंगे करियर काउच गुरुज में। आप हमसे आके जुड़िए, आपकी कोई भी फील्ड हो, कुछ भी हो, सिर्फ नीट और जेई पे हम यहाँ पर नहीं रुके हैं, हम हर फील्ड पे, बीट क्लैट, बीट ज्योग्राफी, बीट एनीथिंग,
कोई भी टीचर अपने फील्ड का जो भी हो उसको नॉलेज हो और वो अपनी नॉलेज को बांटना चाहता हो, बढ़ाना चाहता हो, तो वो हमसे आगे जुड़ सकता है। हम लोग सिर्फ एक इंस्टीट्यूट नहीं है जो कि आपको तैयारी करा रहे हों कि आपका कंपटीशन एग्ज़ाम हो जाए, आप उसके बाद फिर आपका सिलेक्शन हो ना हो, नहीं, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे हम आपको पूरी तरह से आपको जैसे एक बीज से एक पौधे को फ्लरिश किया जाता है, एक गार्डनर जैसे उसको सींचता है, हम यहाँ पे एक बच्चे को सींचेंगे उस तरह से। यहाँ पे हम आपको कई तरह के हर तरह से आपका मेंटल बैलेंस जैसे बिगड़ जाता है कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी करते करते उस पर ध्यान रखेंगे। वी हैव लॉट ऑफ कोर्सेज जिस पे हम काम कर रहे हैं, मेडिटेशन कोर्सेज एंड ऑल, उन पे यहाँ पे काम किया जा रहा है। बाकी कई बार होता है कि आदमी भटक जाता है कि नहीं अब मुझे ये नहीं करना इस दौर में, अब मुझे अब ये लाइन नहीं करनी, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो हम उसको दूसरे ऑप्शंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आप क्या कर सकते हो, आपके लिए क्या बेहतर है क्या नहीं बेहतर है। तो इस तरह से हम बच्चों को आगे लेकर बढ़ेंगे, स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइडेंस मिल सके ताकि वो आगे देख सकें, अपना पाथ डिसाइड कर सकें। अगर वो किसी हम हैं लखनऊ में बच्चों के बीच जो कि कल के फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और उनके साथ आज हम बैठे हुए हैं हजरतगंज में जो कि लखनऊ का आज कोटा स्ट्रीट कहा जाता है। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि एक शहर को हम लोग ब्रांड कर देते हैं कि एजुकेशन के लिए शायद वही एक फैक्ट्री है जहां पे फ्यूचर इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बन सकते हैं। जी नहीं, वो फैक्ट्री नहीं है, ये फैक्ट्री जो है आपके घरों में उपस्थित है, आप जहां पैदा हुए हैं वहीं से आपका करियर तैयार होकर बढ़ सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है जहां पे आप छोड़ के किसी एक शहर में जाके आप कुछ तैयारी करते हैं और उससे कुछ ज्यादा बेनिफिट पा जाएंगे। और इसी शायद सोच को काटने के लिए करियर काउच गुरुज आज अपने फ्यूचर गुरु से मिलने आया है, यानी आप उनको स्टूडेंट्स कहते हैं लेकिन ये बच्चे जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, उसका कारण सिर्फ ये नहीं है कि किसी तरीके से नीट क्वालिफाई कर जाएंगे और कल डॉक्टर बन जाएंगे। उसका मेन उद्देश्य ये है कि जो सब्जेक्ट पढ़े उस सब्जेक्ट को इतनी अच्छी तरीके से समझ लें कि कल के दिन में द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन वो बेटर हो सके। तो करियर काउच गुरुज के साथ अब हम शुरू करते हैं अपने उन मित्रों के साथ जो आज आपको बताएंगे why exactly करियर काउच गुरु इज सो इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी। सो हेलो फ्रेंड्स, हेलो टुगेदर। वाओ, सो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे एक साथ बैठे हुए हैं। और कितने दिनों से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? सब अलग अलग मेरे ख्याल से सेशन से होंगे, समर फ्रॉम 11, समर फ्रॉम 12, लाइक दैट। ओके, तो कोई कुछ एक साल से नीट की तैयारी कर रहे हैं, कोई शायद उनको एक साल एक्स्ट्रा दो साल हो रहा होगा तैयारी करते हुए, तो मोर और लेस नीट जी सभी मिक्स है यहाँ पे। ओके, तो आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे कि करियर काउच गुरुज ये जो सोच लाया गया है, ये आइडियाज आप ही स्टूडेंट्स ने दिया, तो क्या लगता है एजुकेशन क्या वाकई इतना जरूरी है जिसको स्प्रेड करना पड़ेगा? आते तो हैं बच्चे यहाँ पे कोचिंग में पढ़ने के लिए, आप लोग भी कोचिंग्स में गए होंगे, देन व्हाई करियर काउच गुरु? तो हम शुरू करते हैं। चलिए, इस तरीके से तो पूछा नहीं जाएगा, बॉटल कौन घुमाएगा? वेरी गुड, प्लीज। तो अरे फिर से घुमाइए ना। वाओ, नीट क्वालिफाई करके बस रैंकिंग के हिसाब से, कॉलेज के हिसाब से जो भी मतलब हो पाए। सही बात है, आप यहाँ पे बिल्कुल आपका कहना सही है कि नीट के लिए भाई आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो एक अच्छा रैंक पा जाएंगे, आप एक सक्सेसफुल कहीं पे मेडिकल कॉलेज पे पा जाएंगे, तो एक खूब बात। लेकिन क्या बता सकते हैं कि अगर अगर बाय चांस खुदा ना खास्ता, मैं ऐसा नहीं प्रे कर रहा, बिल्कुल आप लोग बहुत अच्छे हैं पढ़ने में और बिल्कुल सर्टेनली पूरे पूरे चांसेस है आपके नीट क्वालिफाई करने, लेकिन अगर नहीं होता है तब क्या करेंगे? ऐसा ना बोलिए। तो सही बात है, ऐसा ना बोलिए सर, यानी यहाँ पे दिक्कत आती है, दिक्कत कहाँ आ रही है देख रहे हैं। What if not? Can we actually think about plan B? तो हम बात करेंगे प्लान बी को भी लेके, लेकिन चलिए अलग अलग लोगों से पहले जानकारी लेते हैं कि उनकी सोच क्या है। नेक्स्ट प्लीज। ओके, फिर से बॉटल घुमाए। ये तो मैं ही हूँ, सो डल। ओके,
अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम हसान है। अच्छा आप कहाँ से? सर ये लखनऊ से हैं। अच्छा स्कूलिंग कहाँ से की आपकी? सर लमाटनिया से। लमाटनिया से। तो नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर? सर नीट। नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं ये अपने से आप मतलब डू यू रियली वांट टू बिकम अ डॉक्टर या पेरेंट्स ने कहा डॉक्टर बन जाओ बन रहे हैं? सर बेसिकली सर मुझे डॉक्टर के साथ एक और चीज़ बननी है। अच्छा। हाँ सर मुझे पहले एक तो डॉक्टर बन के फिर मुझे मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर बनना है। ओके सो यू वांट टू बिकम अ प्रोफेसर इन अ मेडिकल कॉलेज। आप मेडिसिन स्टडीज में जाना चाहते हैं, टीचिंग में जाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये मतलब आपके पेरेंट्स ने हाउ डिड यू थिंक अबाउट बिकमिंग अ डॉक्टर और इनटू मेडिकल टीचिंग? आपके घर में कोई इसी प्रोफेशन में है क्या? नहीं सर पर लेकिन पैरामेडिकल स्टाफ में मेरी मम्मी है। okay, तो उधर okay. से थोड़ी इंस्पिरेशन मिली है। okay. और जानने में भी काफी ज्यादा मतलब मेरे पूरे जो फैमिली है उसमें मेनली इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर कोई नहीं है। तो हमने सोचा कि शुरुआत हम करते हैं। वेरी गुड फैंटास्टिक। लेकिन सोचा व्हाट इज द प्लान बी अगर नहीं हुआ तो? सर प्लान ए तो टीचिंग था, मेडिकल टीचिंग ठीक है, पर लेकिन अगर प्लान ए नहीं होता है तो टीचिंग में तो जाना है। ओके सो योर प्लान बी इज टीचिंग, तो रहना ही रहना है। दैट बहुत अच्छी बात है, कम से कम आप डिसाइडेड है कि जो कुछ भी हो टीचिंग तो मुझे करनी करनी है। वेरी गुड। सो वी हैव अ टीचर ओवर हियर। बहुत कम लोग एक्चुअली साहस दिखाते जो कहते हैं टीचर बनना चाहता हूँ, नहीं तो जहाँ पे आए तो लोग कहते हैं अच्छा टीचिंग करना चाहते हो यानी और कुछ नहीं कर पाओगे, जबकि टीचिंग एक वो प्रोफेशन है जहाँ से तमाम प्रोफेशंस पैदा होती है। अब फिर से बोतल घुमाया जाए, अब देखते हैं किसका नंबर आता है। प्लीज आप बताइए कि आप कहाँ से, पहले अपना नाम बताएं कि शहर से आप आ रहे हैं। सर ऋषभ नाम है, ऋषभ यादव, और सर प्रॉपर यहाँ लखनऊ से आलमबाग, और बाकी तो सर नीट एस्पिरेंट हैं। नीट एस्पिरेंट हैं। तो आप 11th 12th अभी? नहीं 12th पास आउट। आप ऑलरेडी 12th कर चुके हैं? ऑलरेडी 12th कर चुके हैं सर, 12th पास आउट। जी तो अभी आप प्रिपरेशन में कब से प्रिपेयर कर रहे हैं? सर 2 साल अभी किया था कोटा, तो अच्छा। अभी सेल्फ कर रहे हैं इस बार यहां। आप कोटा में जाके कर चुके हैं तैयारी? ओके तो फिर तो आपसे पूछना चाहिए कि भाई कोटा में और लखनऊ में प्रिपरेशंस की क्या आपको डिफरेंस लग रही है? सर प्रिपरेशन का डिफरेंस ये है कि अगर आपको प्रिपरेशन जो 90% प्रिपरेशन होता है वो सेल्फ होता है। अच्छा। कोई भी इंस्टीट्यूट सर, कोई भी जैसे मेडिकल का हो गया या जेई का हो गया, फिलहाल तो हमें अपना पता है मेडिकल का, कोई भी इंस्टीट्यूट सर आपको बस गाइडेंस दे सकता है, लेकिन पढ़ाई जो होता है वो आपको सेल्फ करना ही पड़ेगा। ओके तो पढ़ाई सेल्फ करना पड़ता है, उसमें बहुत ज्यादा आपका सेल्फ आपको टाइम बहुत देना पड़ेगा। तो कोटा में जाके जो ये जो इतना जो चलता है, तमाम लोग कोशिश करते हैं कि कोटा पहुंच जाए, बस कोटा में किसी तरीके से जाके जो है, तो आप कह रहे हैं कि कोटा में जाके कुछ ऐसा आपको कोई फायदा नहीं हुआ, कोई बेनिफिट नहीं हुआ? कोटा सर, कोटा आपको बस वो है आप माहौल क्रिएट करके दे सकता है कि वो आपको बस आपको टेंशन दे सकता है, वो एंजाइटी पैदा कर सकता है, बट सिलेक्शन नहीं दे सकता। वेल सेड। ये बहुत जरूरी चीज है कि एक टीचर को ये बहुत जरूरी होता है कि वो बच्चे के एंगल से प्रॉब्लम को समझे, यानी जो दृष्टिकोण है वो बच्चों की तरफ से होना चाहिए। प्रॉब्लम को आप तभी ठीक तरीके से एड्रेस कर पाएंगे जब उस प्रॉब्लम को बच्चे के नज़र से देखेंगे, आखिर वो बच्चा चाहता क्या है, उसकी फाउंडेशन लेवल में वो कौन सा गैप रह गया जिसको आपको फिल करना चाहिए। ब्रांड बने ना बने वो सेकेंडरी बात है, प्राइमरी चीज़ ये है कि मेनली सब्जेक्ट वाइज उन प्रॉब्लम्स को हम एड्रेस कर पाते कि नहीं, एंड दिस इज समथिंग व्हाट करियर कोच गुरु इज ट्राइंग टू डू। देखिए किसी प्रॉब्लम को अगर हम सर्वे करें और पता चलता है बच्चों के द्वारा कि ये कमियां रहती हैं एजुकेशन में, और उन जगहों पे इफ वी ट्राई टू फिल अप दोस एम्प्टी स्पेसेस वी विल फाइनली हैव अ स्ट्रॉन्ग वॉल। इसी कोशिश के साथ करियर काउच आगे बढ़ने का उसके लिए प्रतिबद्ध है। ये जो स्टूडेंट्स हमारे साथ आज बैठे हुए हैं इनके द्वारा हमने कई तरीके के फीडबैक लेने की कोशिश की। अब हम थोड़ा सा फीडबैक लेंगे करियर काउच गुरु से, हम क्या चाहते हैं। एक बार अपना नाम बताइए। सर ऋषभ। ऋषभ, ऋषभ आप बाहर से आ रहे हैं, आपने बताया कि आपने 2 अटेम्प्ट भी दिए हैं और आप काफी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को देखते हुए आप फिर इस एक फॉर्मेट में आए, और कई स्टूडेंट्स कई लोग कई जगह से हमारे पास फोन्स आते रहे, फीडबैक्स आते रहे कि भाई सर करियर काउच गाइड तो दे रहा है, हाउ कैन वी बिकम अ पार्ट ऑफ दिस टीम, कैन वी वॉलंटियर विथ यू। बात यहाँ वॉलंटियर करने की नहीं है, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी।
और इस अपॉर्चुनिटी के लिए हम बात करेंगे वन ऑफ आवर करियर काउच गुरुज ओवर हियर, मैं उनको स्टूडेंट नहीं करूंगा क्योंकि दो साल से ये तैयारी कर रहे हैं शिक्षा का, इन्हें की शिक्षा इन्हीं के पास है, अब ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि उस शिक्षा का इस्तेमाल वो कैसे करते हैं। तो ऋषभ बताएं व्हाई करियर काउच गुरु, करियर काउच गुरु ही क्यों? सर जो सर हम लोगों ने दो साल, जैसे अभी आपने बताया कि दो साल के रिपीटर हैं सर, तो दो साल का सर एक्सपीरियंस ऐसा, रिपीटर मत कहिएगा अपने आप, मतलब दो साल एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस्ड है सर, दो साल का जो एक्सपीरियंस है ना सर, तो वो जो गलती हमने की है जिसकी वजह से एक्सपीरियंस्ड है, या जो बाकी लोग अभी एस्पिरेंट जो 11th में है 12th में है, तो वो ऐसी गलती ना करें। तो उसके लिए ना जब हम लोग सर 11th 12th में थे, तो हमारे टाइम पे सर ऐसा कुछ ऐसा मतलब गाइड, वो एकदम फ्यूचर प्लानिंग वाला कोई सीन नहीं था कि कोई ऐसा काउंसलर हो या जो बताए हम लोगों को कि आगे 12th पास 11th के साथ में आपको 9th 10th में भी आप नर्चर एंथ्यूज का कोर्स कर सकते हो। वेरी गुड, व्हाट इज वर्ड नर्चर एंथ्यूज, प्लीज गो ऑन, कैरी ऑन। नर्चर एंथ्यूज के टाइम आप मतलब कर सकते हो, बट ये अभी अभी ऐसा ट्रेंड चल गया कि आप नर्चर से किसी एक पर्टिकुलर एक किसी चीज़ का आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ये अभी का ट्रेंड है, लेकिन जब हम 2-3 साल पहले तब ऐसा ट्रेंड नहीं था ना, ऐसा गाइडेंस था, तो उसकी वजह से हम लोग को 12th के बाद में सर तो आए, तो सभी का फैशन चल रहा था कोटा जाने का, कोटा जाने का कि, तो फिर गए पढ़ाई किया एक साल, तो सर जब पहले पहले क्रेज नहीं था डॉक्टर बनने का, लेकिन तो जब आपको जीतू भैया नहीं मिले कोटा में? जीतू भैया सर एक्चुअली वहां पे सर जो होता है ना कि जो रैंकर्स होते हैं वो एक्चुअली पहले से डिसाइडेड होते हैं सर, हाँ, क्योंकि जितने सर नॉर्मल बच्चे जाते हैं ना, जो नॉर्मल क्लास के एनवायरनमेंट होता है वो बड़ा बिलो बिलो होता है सर, वहाँ टीचर आते हैं लेक्चर लेते हैं खत्म बस। तो दोस्तों परेशानी इसी बात की है, हम लोग जो कहानियां फिल्मों में मूवीज में वेब सीरीज पे देखते हैं वो ऐसा होता नहीं है, असल जिंदगी में एक जूती भैया को ढूंढना जो है वो बहुत मुश्किल होती है। वो सर ये सारी चीजें सर सिर्फ मूवीज में अच्छी लग सकती हैं, हाँ। बस असल जिंदगी में मूवी नहीं हो सकती, असल जिंदगी कभी मूवी नहीं होती। और देखा जाए तो आप सब अपने आप में एक एक जीतू भैया बन सकते हैं अगर आपने किसी के लिए इंस्पायरिंग हो गए। मेन चीज क्या है, व्हाट ये हम जो अचानक एक फ्रेम बना लेते हैं जीतू, उसका मेन चीज है कि भाई हम इंस्पायर कर सके, इफ यू कैन इंस्पायर फोर दैट मींस यू आर इंस्पिरेशनल, राइट? सो बिल्कुल सही बात, और बहुत मजा आया आप लोगों के साथ बातचीत करके। यू आर स्टूडेंट्स एंड यू आर। तो जी हाँ दोस्तों, करियर काउच गुरु के पैनलिस्ट ने बहुत सारे यूनिवर्सिटी कोर्सेज को में फिल्टर करने के बाद, सेग्रीगेट करने के बाद ऐसे कुछ कोर्सेज का चयन किया है जो एकदम सेफ एंड सिक्योर्ड हो आपके लिए और 100% सिक्योर्ड एम्प्लॉयबल हो। तो फ्रेंड्स, एडुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए जुड़े रहने के लिए देखना ना भूलिएगा करियर काउच विद शुभांकर एवरी संडे 9 PM ओनली ऑन प्राइम TV। तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।